चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्सअप गाइस, मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स जिसको तुम प्यार से MOVP भी कहते हो, उस चैप्टर का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। क्या करने वाले हैं, बेसिक्स पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। बेसिक्स के नाम पे तुम्हें एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर एक प्रॉब्लम को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें बस ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है और आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाता है, राइट? प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। स्टेप नंबर वन क्या कहता है, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट द थिंग इज दैट कि जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में कन्वर्टेड है, और इसीलिए तुम्हें स्टेप नंबर वन फॉलो करने की या अप्लाई करने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि कन्वर्टेड नहीं होता है तुम्हारा क्वेश्चन, तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है उस फॉर्म में। तो वैसे दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करके रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ओके, तो अभी स्टेप नंबर टू के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ फाइंड YC। YC कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए प्रोसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। तुम्हें लग रहा है हार्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईजी है। देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, सॉल्व AE, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कंसिडर AE। उसके बाद क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा फंक्शन ऑफ डी है, इसको हम जीरो अज्यूम कर लेंगे। सो डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या लिखा है, गेट द रूट्स, तो मतलब इसके रूट्स निकालेंगे। सो दैट इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, तो उधर गया तो यही आएगा एंड इसीलिए डी इज इक्वल टू जीरो प्लस आई एंड जीरो माइनस आई, ये डी के रूट्स आ गए। अब आगे क्या करना है, इनमें से कोई भी एक YC का फॉर्मूला चूज करना है और उसकी मदद से तुम्हें YC का वैल्यू निकालना है। बट तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा YC का फॉर्मूला यूज होगा या अप्लाई होगा? देखो जो तुम्हारे रूट्स है उसका नेचर क्या है, ये रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी आई है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स इन दोनों में से एक होगा। बट ये होगा या ये होगा, फिर से इधर आओ, ये दोनों के दोनों अनइक्वल है, इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल होगा, और इसीलिए YC का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा YC की वैल्यू निकालने के लिए। सो YC इज इक्वल टू ई रेशो अल्फा एक्स। अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि अल्फा जीरो है और बीटा वन है, राइट? सो ई रेशो अल्फा एक्स इज इक्वल टू ई रेशो जीरो एक्स, एंड दैट इज ई रेशो जीरो, और ई रेशो जीरो वन होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद C1 cos बीटा एक्स, बीटा वन है इसलिए एक्स, प्लस C2 साइन बीटा एक्स, बीटा वन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया YC का वैल्यू। अब उसके बाद मैंने और एक चीज़ लिखी है, C1 के बाजू में जो भी होता है वो Y1 होता है और C2 के बाजू में जो भी होता है वो Y2 होता है, राइट? सो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारा Y1 है, Y1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, एंड ये हमारा Y2 है, Y2 इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट? अब स्टेप नंबर टू हो चुका है, स्टेप नंबर थ्री के ऊपर जंप करेंगे, फाइंड व्रॉन्सकीन डिटर्मिनेंट, मतलब बेसिकली तुम्हें वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं उसका नाम बराबर प्रोनाउंस कर रहा हूँ पता नहीं, जो भी है फॉर्मूला यूज़ करना है। बट अगर तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है तो उसके लिए Y1 और Y2 पता होना जरूरी है। अब Y1 Y2 कैसे निकालेंगे, ये हमें Y1 पता है, अगर इसको तुम एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दोगे तो Y1 आ जाएगा, राइट? सो Y1 इज इक्वल टू, अगर तुम करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और ये हमारा Y2 है, बस एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, Y2 आ जाएगा, सो दैट इज कॉस एक्स, राइट? ये आ गया, बस फॉर्मूले में डाल दो, W इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स, राइट? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो प्लस आ जाएगा, दिस इंटू दिस दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो बेसिकली W का वैल्यू है 1। अब स्टेप नंबर 3 हो चुका है, W का वैल्यू मिल चुका है। अब स्टेप नंबर 4 विच इज U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Y2 इंटू W, आई मीन नॉट W, सॉरी फॉर दैट, माई बैड, एंड अपॉन W इंटू एक्स डी एक्स। वॉट द हेल is y2 is sin x, so sin x into x, what the hell is x? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में होता है वो हमेशा x होता है, so x is
tan x dx अपॉन w. व्हाट द हेल इज w? w इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, यहाँ पे x लिखना भूल गया मैं, माई बैड. tan x को मैं साइन x अपॉन cos x भी लिख सकता हूँ. अगर मैंने ऐसा लिख दिया इसको, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x आ जाएगा एंड अपॉन cos x dx, राइट. अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ. सो 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos x dx, राइट. उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे 1 अपॉन cos x क्या होता है? sec x. फिर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, सॉरी cos स्क्वायर x अपॉन cos x क्या होता है? cos x. और यहाँ पे बीच में माइनस आता है, राइट. एंड डी एक्स, इसको बस सॉल्व किया, 1 अपॉन cos x sec x एंड cos स्क्वायर x अपॉन cos x कट हो गया, तो ऊपर cos x बच गया, ठीक है. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. अगर तुम sec x को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे, तो तुम्हें मिलेगा log sec x प्लस tan x, एंड उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस तो आ ही जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो प्लस आ जाएगा. अगर तुम cos x को विद रिस्पेक्ट x इंटीग्रेट करोगे, तो तुम्हें मिलेगा sin x. ख़त्म, ये तुम्हारा u आ चुका है. अब v के ऊपर जंप करेंगे. वेयर द हेल इज दैट फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू x अपॉन डबल u dx. नाउ वी आर गोना सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो वेयर द हेल इज y1? y1 इज दिस cos x, cos x इंटू x. वेयर द हेल इज x? tan x. tan x को मैं sin x अपॉन cos x भी लिख सकता हूँ, एंड अपॉन w, w इज 1, लिखने की जरूरत है. वाओ वाओ, एंड यहाँ पे dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस cos x, और ये आपका v आ चुका है. तो मतलब बेसिकली आपका स्टेप नंबर 4 हो चुका है, uv के वैल्यू मिल चुकी है. अब स्टेप नंबर 5 के ऊपर जंप करेंगे, विच सेज yp इज इक्वल टू यू y1 प्लस वी वाई टू, ठीक है. मतलब जो हमारा u है, u किधर गया यार, ये किधर सब खो जाता है. हाँ, ये हमारा u, ये u, ये पूरा का पूरा इंटू y1, वेदर इज y1, y1. तो मतलब बेसिकली cos x इंटू ये पूरा का पूरा. तो सबसे पहले ये करेंगे, सो yp इज इक्वल टू माइनस cos x log sec x प्लस tan x, राइट. उसके बाद प्लस साइन x cos x, सिंपल एज दैट. ये हो गया. अब ये v इंटू वाई टू प्लस v इंटू वाई टू, वेदर इज v इज दिस, तो माइनस cos x लिखते हैं यहाँ पे, माइनस cos x इंटू वाई टू. वाई टू किधर है? वाई टू ये है साइन x. सो साइन x, और अभी यहाँ पे देखो, ये और ये सेम है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. सो लॉल लॉल, राइट, एंड इक्वल्स टू, ये अकेला ही बचेगा. सो अभी आपका yp आ चुका है, और यहाँ पे ये आपका yc है. सो आखिरी स्टेप इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp. सो क्या है आपका yc? c1 cos x प्लस c2 sin x, एंड ये कर दो प्लस ये, तो माइनस cos x log, एंड ये आपका फाइनल आंसर है. व्हाट्स अप प्लानेटोजी सामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इसके मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं. नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे. इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए. और ये जो सब्जेक्ट है, इसको मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉडल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो. क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे, तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट. इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.